ये परवल का बाड़ी है और ये आपको दिखा दूँ तो परवल अभी मतलब छोटा छोटा यहाँ पर सभी हुआ है। जंपिंग कैसे चलता है, क्या है और कहाँ से होता है? तो यहाँ से दवा वगैरह डालते हैं हम लोग परवल का। देखिए ग्रोथ भी है, देखिए फूल रहा है, कहीं कहीं फूला है वगैरह नहीं रहे, खाद वगैरह डालेंगे तो ये सब। तो जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी मन, तो आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे, थोड़ा छत्तीसगढ़िया भी बोलते हैं, अच्छी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि आज फिर हम पहुंच चुके हैं एक और बाड़ी में, तो उस बाड़ी में क्या लगा है आपको बता दूं। तो चलिए सामने से भी आता हूं, उसके बाद बताता हूं। तो संगवारी देख सकते हो, ये अपना ये परवल का बाड़ी है और यहाँ से आप देख सकते हो बहुत दूर तक पूरा लगा हुआ है परवल का बाड़ी। और वही भाई लोग जो पहले हम मिले थे उन्हीं से भी, उन्हीं का बाड़ी है। और आपको ये देख सकते हो कैसा अभी, मतलब बोले तो यहाँ पर परवल एक बार निकल भी चुका है। तो अभी क्या वो चीज़ है उनसे पूछते हैं, कैसे क्या, कैसे तैयारी किए हैं, कैसे क्या हुआ है, सब कुछ जानकारी आपको देते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया जैसे मिलेंगे अभी, उसके बाद उनसे पूछेंगे कैसा क्या है, ठीक है। तो अभी बने रहिएगा। तो संगवारी मन, आप मन के बता देता हूँ कि थोड़ा बोले भी नहीं आते मुके। तो ये देख सकते हो ये परवल का बाड़ी है और ये आपको दिखा दूँ तो परवल अभी मतलब छोटा छोटा यहाँ पर सभी हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, मतलब छोटा छोटा भी हुआ है और एक बार तो निकल भी चुका है। और इधर का तो आप लोग परवल को चलिए आपको पास से दिखाऊंगा। तो ये जो ट्रिपिंग सिस्टम से ही पूरा मतलब खेती किया जाता है। और इधर भी अभी मतलब खाली एरिया बहुत है, इनमें भी कुछ लग भी सकता है। तो अभी भैया जैसे मिलेंगे और उनसे भी पूछेंगे कैसे कैसे तैयारी हुआ है और कैसे क्या बीज कहाँ से लाए, मतलब कैसे कहाँ से जुगाड़ उगाड़ किए कि खरीदे कि कुछ भी, सब कुछ अभी पूछेंगे। तो ये अपना परवल का बाड़ी आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। और ये अभी इधर भी ट्रिपिंग लगा हुआ है। तो चलिए अभी आपको मतलब भैया जी से मिलाता हूँ और उनके पूरा जानकारी लेते हैं कैसा क्या है, ठीक है। तो बने रहना वीडियो पे और आपको हर कुछ को दिखाऊंगा, ठीक है। बने रहना ब्लॉग पे कंटिन्यू। तो हम भैया जी से मिल लिए, तो भैया जी पहले आपको अभी हम बताएंगे कि ड्रिपिंग कैसे चलता है, क्या है और कहाँ से होता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग का है सोलर पैनल जो धूप से चलता है, अच्छा हमको सिखा रहा है। धूप से पूरा बिजली करंट पूरा बताता है। यहाँ से चाले चालू करने का कंट्रोलर है, यहाँ से चालू होता है यहीं से बंद होता है। और आगे आइए इधर, इधर हम लोग का सबसे पहले तो पाकी से पवन, सबसे पहले तो हम लोग का ये है फिल्टर, यहीं से फिल्टर होके जाता है पानी, जो बालू वगैरह होता है छना के जाता है। आए हम लोग का मशीन, मतलब इससे पानी बंद जहाँ लेना है यहाँ पानी खुलने का प्रावधान है, यहाँ भी खुल जाता है पानी। पानी यहाँ हम लोग का जरूरत पड़ता है ना पानी दवा वगैरह डालने के लिए। अरे हम लोग यहाँ से भी पानी खुलते हैं तो इधर भी पानी आता है इन्हें सामने यहाँ खुलने से। और इसको बंद करिएगा तो पानी उधर जाता है उधर, और इसको बंद कर दीजिएगा तो पानी यहीं से यहाँ से फिल्टर होके जाता है, यहाँ से जो पानी रहता है हम लोग का। यहाँ से दवा वगैरह डालते हैं हम लोग सब्जी में, जो कुछ भी लगाए रहते हैं यहाँ से पिए तो हम लोग का दवा जाता है, तो टंकी में डला के यहाँ फिल्टर होके जाता है पूरा। यहाँ से अभी इधर आता है यार, खा ले खीरा। आपको कैसा लगा खीरा खा के? खीरा भी खा रहे हैं? टमाटर ऐसा टमाटर खा रहे हैं। चलिए आपसे भी मिलेंगे बाद में। देखिए इधर पूरा ड्रिप लगाया हुआ है, पाइप बिछाया है, लेंटर पाइप लगा है इसमें, इसमें लगाने लगाया है इसमें। ये हम लोग का मेन पाइप यहाँ से मतलब बिछा हुआ है, इस पर लगभग 2 फीट 3 फीट का गहराई खंदे हैं इसमें। ये वाला पाइप लगा है अंदर, ये एयर फिल्टर है, इसको जो यहाँ से ज़्यादा पानी हो जाता है तो यहाँ से फिल्टर हो जाता है, निकल जाता है। इधर आइए, हम लोग का 4 प्लॉट का जो ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है 2 एकड़ में। इधर आइए, थोड़ा दिखाता हूँ, बताऊँगा कैसे कैसे हुआ है हम लोग का ड्रिप सिस्टम। तो इससे कितना प्रॉफिट मिल जाता है आप लोग को, यहाँ से लगाए हैं पूरा चीज़ तो कितना प्रॉफिट मिल जाता है कुछ भी लगाते हैं तो? फर्स्ट टाइम में इधर लगाए हैं, पहले तो इसमें मिर्चा लगा था, मिर्चा पहले हम लोग लगाए थे इसमें प्रॉफिट, थोड़ा सा घास थोड़ा सा अगले साल मुरझा गया था पूरा पौधा। ये देखिए हम लोग का 4 प्लॉट का ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, इधर का क्या बोलते हैं इधर का जो ड्रिप सिस्टम, यहाँ से वाल है, वाल ऐसे कर दीजिएगा तो पानी इधर जाएगा, इसे करिएगा तो पानी इधर पूरा गिरेगा,
इसके बाद इसको बंद करिएगा ना तो पानी हम लोग का इधर जाएगा, ये देखिए इधर का प्लॉट में, और इसको इधर करिएगा इस प्लॉट को तो इधर पूरा पानी जाएगा, ठीक। और क्या बोलते हैं, इधर का प्लॉट जो है इधर इधर प्लॉट अभी कुछ नहीं लगा है, लगने वाला है, तो इधर हम लोग का प्लॉट इधर के लिए वाला चालू करने के लिए है, इसमें हम लोग को तो इसे अभी मतलब अभी परवल लगा हुआ है तो इसे अभी एक बार अभी निकल चुका है या नहीं निकला अभी तक? अभी फिलहाल में अभी नहीं निकला है, निकलेगा कभी तो, अभी तो अभी लगाए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 1.5 महीना हो रहा है निकलने में। इसका बीजा जो आता है, इसका बीजा 5 रुपये पीस आता है, इसको खरीदे थे हम लोग लगभग 7-8 हज़ार गाछी खरीदे थे, इसको हम लगाए हैं अभी तो, अभी तो निकलना चालू हुआ है परवल का जो गाछी है, अभी तो इसका पत्ता निकाला हुआ है, अभी नायर चढ़ेगा ये वाला, देखिए अब फूलने वाला है, थोड़ा कहीं कहीं फल गया है, इसको हम लोग अभी हम लोग देखे भी नहीं है बढ़िया से, मतलब फला है कहीं कहीं। हम लोग का प्लॉट जो है इसको 1 एकड़ में हम लोग परवल लगाए हैं, अब देखते हैं क्या होता है इसका भी, तो इसमें घास बहुत ज़्यादा उग गया था, उसी के कारण थोड़ा सा पौधा थोड़ा सा बढ़ नहीं रहा था, और इसमें दवा लगाए हैं घास ख़त्म करने वाला, ये देखिए अभी घास जो है ना, ये घास अभी दवा मारे थे बंद घास मरने वाला, तो अभी घास ख़त्म हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा घास था, इस चलते इसका जो परवल है वो बढ़ नहीं रहा था। इसके बाद अभी फिलहाल में तो अच्छा दिख रहा है, जब घास मर गया ना, ये देखिए यहाँ पर जो घास है वो मरने वाला है, अभी 2-3 दिन हुआ है छिटने में घास वाला दवा, टंकी से मारे थे मशीन वाला, इधर देखिए अच्छा ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है इसका परवल का, देखिए ग्रोथ भी है, देखिए फूल रहा है, कहीं कहीं फूला है, अभी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये फलना चालू होगा, ये देखिए अभी तो नार चढ़ा धागा में, धागा से चढ़ते जाएगा इसका, अभी जैसे पानी इसमें घास वगैरह नहीं रहे, खाद वगैरह डालेंगे तो ये सब ग्रोथ करेगा बढ़िया से। हेलो, तो भैया जी से हम लोग बात किए तो ये इसके पूरा जानकारी दिए, मतलब अपने प्लॉट के बारे में पूरा चीज़, ठीक है। तो देख सकते हो ये अपना परवल का बाड़ी है, और अभी छोटा छोटा है, अभी जब बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको मिलेंगे यहाँ पास, और भैया जी से फिर बात करेंगे और इनका पूरा यहाँ का सीन दिखाएंगे, ठीक है। तो संगवारी, हमारे ब्लॉग आपके मन की कैसे लगी, ठीक है। मोर भाषा थोड़ा चेंज हो जाते, मज़ा नहीं आता, और ये हमारे भैया जी है तो ये आ रही थोड़ा सा काम करे तो हम कहें बना लेती ब्लॉग व्लॉग, ठीक है। तो ऐसा है कि चला भी बन जाए पूरा फूल उल जाए पग वग जाए, फिर आप मन के मिलबो और यहाँ का पूरा फिर बताबो। तो यार हमारे ब्लॉग कहाँ का लगे बता दो, तो मोर गाँव वाला तो जान था कि कौन गाँव का लगा, तो मोर गाँव है कुंदा बस्ती। तो अगर आप मन के परवल खाए का मन करत हो तो आप मन आइया हमारे गांव में और परवल यहां से ले जिया, अभी पक नहीं पाई से, जब पकी फिर ब्लॉग बनाऊं तो आपका मन के पूरा एड्रेस ला बताऊं कैसा का है। तो ठीक है, आप मन के ब्लॉग कैसे लगीस कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो चला थन नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलबो, और ये ब्लॉग कैसे लागिस तू मन के बताइया, ठीक है। तो चलते हैं और आपको ब्लॉग फिर दूसरा ब्लॉग में फिर मिलबो, और यह ब्लॉग अच्छा लागी तो फिर अच्छा एक ठाउर ब्लॉग फिर बना देबो, ठीक है। तो चला थी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो हमारे चैनल लगा कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, और अगले मल्ला पहुंचाए भी, ठीक है। तो चला थी और फिर दूसरा ब्लॉग में फिर मिलबो, ठीक है।